हरियाणा में होमस्टे पॉलिसी की शुरुआत हो चुकी है। इसकी पहल की कलेसर गांव के रहने वाले आनंद चौधरी ने। होमस्टे के तहत 4 कमरे तैयार किए गए हैं, लेकिन इन कमरों में जो साज सज्जा का सामान है वो आपके जरूर आकर्षित करेगा। इस रिपोर्ट में हम होमस्टे पॉलिसी की बारीकी से समझिए। हरियाणा सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना शुरुआत की है। इससे न सिर्फ पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा बल्कि हरियाणा की संस्कृति से भी पर्यटक रूबरू होंगे। ये योजना है होमस्टे। होमस्टे मतलब पर्यटकों के लिए ठहरने का एक ऐसा स्थान जहां उन्हें पुराने ज़माने का वो सामान सामने दिखाई देगा जो शायद उन्हें सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। यमुनानगर जिले के कलेसर गांव के रहने वाले आनंद चौधरी ने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विभाग के तहत होमस्टे के लिए पहला रजिस्ट्रेशन कराकर होमस्टे तैयार किया है। आप तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं कि कमरे की छत मोटे बांस से तैयार की गई है। अंग्रेजों के जमाने की अंगूठी भी कमरे में मौजूद है। इसके अलावा अलग तरह का बेड भी कमरे की शान बढ़ा रहा है। हालांकि कमरे में एसी भी है, लेकिन ये गांव हिमाचल और उत्तराखंड से सटा होने की यहां का मौसम सुहाना रहता है। आनंद चौधरी बताते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड को देखकर मेरे मन में हरियाणा में होमस्टे का ख्याल आया। K9 मीडिया के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। सर, होमस्टे पॉलिसी को लेकर कैसे आपके मन में विचार आया कि इसकी शुरुआत की जाए? होमस्टे पॉलिसी क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड हमारे एडजॉइनिंग में है जी। और मैंने काफ़ी टाइम हिमाचल में जॉब की है और हिमाचल में मेरा आना जाना रहता है। वहाँ मैंने होमस्टे पॉलिसी देखी है, तो जब हमारे चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी टूरिज्म मिनिस्टर बने तो मैंने उनसे इस पॉलिसी के बारे में जिक्र किया कि हरियाणा में भी एक ऐसी पॉलिसी लागू करी जाए ताकि रूरल विलेज का जो टूरिज़्म है वो प्रमोट हो सके। और मंत्री जी ने इसको अपने संज्ञान में लिया और 2021 में जो है इस पॉलिसी को हरियाणा में भी लॉन्च कर दिया गया है। और इस पॉलिसी का सबसे बड़ा लाभ ये रहेगा, जो टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट, नेशनल लेवल टूरिस्ट, जो नेचर प्रेमी है और जो ग्रामीण परिवेश को देख नज़दीक से देखना चाहते हैं कि गाँव के लोगों का रहन सहन कैसा है, क्या व्यंजन वो खाते पीते हैं, क्या चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती हैं एग्रीकल्चर की और फ्रूट्स की, और विलेज सफारी को जो देखना चाहते हैं, उसके लिए होमस्टे बहुत लाभान्वित होंगे। और इसी पर्पज़ से मैंने अपने कलेसर गांव में, जिसमें 4 स्टेट लगती हैं, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, तो होमस्टे रजिस्टर्ड कराया है। और जो भी हमारे पास टूरिस्ट आएगा हम उसको एक मेहमान नवाजी के तौर पर उसको उसका स्वागत करेंगे और हरियाणा हिमाचल के जो भी देसी व्यंजन हैं वो उनको परोसे जाएंगे और उनको ऐसा फील होगा कि जैसे हम अपने घर में स्टे कर रहे हैं। उनको आसपास के जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो दिखाए जाएंगे, जंगल सफारी, विलेज सफारी, और उनको जो जैसे गांव में झोटा बुग्गी होती है, बैलगाड़ी होती है और ऊँट की सवारी होती है, घोड़े की सवारी होती है, इन चीज़ों को भी उनसे सवारी कराई जाएगी। सरकार का किस तरह का सहयोग मिला सर इस प्रोजेक्ट के लिए आपको? सरकार का इसमें एक तो रजिस्ट्रेशन कराने में कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, केवल आपकी अपनी लैंड होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए जिसमें आप रहते हो, और उसमें ज़्यादा पेपर फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, जबकि होटल में पेपर फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती है। तो ये सरकार के, दूसरा सरकार ने इसमें लोन की फैसिलिटी भी दी है, इंटरेस्ट फ्री लोन है और जिसका इंटरेस्ट सरकार पे करेगी और लोन आपने पे करना है। कराया और वैसे भी जब हम पॉलिसी बन रहे थे तब भी इनका काफ़ी सहयोग रहा और इन्होंने हिमाचल में भी नौकरी की पहले और हिमाचल के बाद फिर यहाँ की, तो इनको इन्हें हिमाचल के बारे में भी काफ़ी नॉलेज थी, तो हमारा सहयोग भी किया और इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपने यहाँ देखा ही है कितनी सुंदर जगह है और आप साइट अगर देखें आप तो चारों तरफ बहुत ही सुंदर है और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से बहुत अच्छी सफलता इसको मिलेगी और आने वाले टाइम में और लोग भी जैसे हैं जो इसके साथ जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सरकार क्या खासियत है?